ये प्रॉब्लम कब खत्म होगा भाई? क्या हो गया? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मैं एक डेंटिस्ट हूँ. और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो. लेकिन अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो ना, तो दुनिया वालों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. बेसिकली BDS के बाद हर इंसान चाहता है कि उसके लाइफ में एक घर, दो कार और कुछ नौकर चाकर हो. और इस चक्कर में वो क्लिनिक खोल लेता है. बस उसके बाद क्या, सारे दोस्त, आस पड़ोस वाले, रिश्तेदार आ जाते हैं उसके पास इलाज कराने, ट्रीटमेंट कराने, एडवाइस लेने के लिए. पर ये सब तो दोस्त हैं, यार हैं, कुछ कह भी नहीं सकते. पर सुन, गलती से भी एक आधा पेशेंट तेरी क्लिनिक में आ भी गया ना, तो बस तेरी खैर नहीं. इनको 5 मिनट की बात 15 मिनट तक समझाते रहो. साले हम लोग ने 5 साल लगा दिया BDS कंप्लीट करने में. इनको पूरा का पूरा कोर्स ना एक ही दिन में कंप्लीट करना है. और सुन, जैसे ही ना इनको पैसे, ट्रीटमेंट या इलाज की बात करो ना, ये सारे गायब. बेसिकली ट्रीटमेंट के बीच में ना अगर इनको पर्स में हाथ डालना पड़ गया ना, पेशेंट गायब. ऐसा लगता है इनके पर्स में तो मिस्टर इंडिया वाली घड़ी छुपी रहती है. साला हाथ डालो, गायब. अगर ट्रीटमेंट कराना है ना, तो बिल भरो. ट्रीटमेंट के साइज के हिसाब से बिल मत भरो. जितनी बार बोला जाए ना, उतनी बार बिल भरो. बार बार बिल भरो. और सुन, ये पेशेंट्स ना पैसे ना होने का ना सिर्फ और सिर्फ नाटक करते हैं. और ये तब तक करते हैं ना जब तक इनको तुमसे कम पैसों में ट्रीटमेंट करने वाला दूसरा डॉक्टर ना मिल जाए. यार ये गरीब चौराहे और नुक्कड़ पे खड़े होकर ना गोलगप्पे खा लेंगे, लेकिन अगर इनके मुंह में माउथ मिरर डालो ना, 5 बार पूछेंगे, सर ये स्टरलाइज तो है ना. साला ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी गंदगी हमने ही समेट कर रखी है यहाँ पे. और सुन, इनको ना कोई भी चीज समझाओ, मजाले इनको समझ में आ जाए, इनको छोटी सी छोटी चीज 15 मिनट तक समझाते रहो, इनको घंटा कुछ समझ में नहीं आने वाला. और वही चीज ये गूगल और यूट्यूब पे पढ़ लेना, इनको झट से सारी चीजें बात समझ में आ जाती है. ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा स्यापा ना ये गूगल और यूट्यूब का ही क्रिएट किया हुआ है. क्या है ना यार, हर पेशेंट अपॉइंटमेंट के बीच में ना एक ऐसा टाइम आता है जब आपको ये समझ में आ जाता है कि इस कन्वर्सेशन के बीच में ना पेशेंट आपसे ट्रीटमेंट नहीं कराएगा, पर आप उन्हें बाहर भेज नहीं सकते हो. क्यों? क्योंकि पेशेंट के अकॉर्डिंग आपका कोई हक नहीं बनता है कि आप उन्हें बाहर भेज दो. क्यों? क्योंकि आपने ओथ ले रखी है. आपके अकॉर्डिंग आपका कोई हक ही नहीं बनता आप उनको बाहर भेज दो. वो जब मर्जी चाहे अंदर आ जाए, आपसे कुछ भी पूछ दे, ठीक है, और जब मर्जी चाहे बाहर चला जाए, लेकिन आप उनको कुछ नहीं बोल सकते हो, ठीक है. कभी कभी तो सच में मन करता है ना कि पूछ भाई. वो माउथ मिरर वाला मेरे साथ भी हुआ है.